गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता सर्वायुपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना आर्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मह एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा दशम अध्याय विभूति योग। श्री भगवान उवाच, उसको खोल के दे दो। भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः यत्तये अहं प्रीयमाणाय वक्षयामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं नाम हर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसा यो माम् अजम् अनादि च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्स मृत्येषु सर्वपाप प्रणुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहं क्षमा सत्यं तमाशमः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशा भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथग्विधा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन जुञ्जते नात्र संशया अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषा एवामनुकम्पार्थम् अहं ज्ञानमजं तमः नाशाम्याध्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम त्वपिवित्त परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम्
आहुस्त्वा मृषः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः चैवं सर्वमेतदृशं धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशवा न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुरदेवा न दानवा स्वामिमेवात्मानम् आत्मानम् वेत्य त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन् भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्याः आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् मीनांस्त्वं व्याप्य स्थिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन्मया विस्तरेण आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच अन्तते कथिष्यामि देव्याः आत्मविभूतयः प्राधानततः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुणकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णोर्ज्योतिषानां रवि अंशुमान् मरिचिरमरुतास्मतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी देवाविदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनसश्चस्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वितेशो यक्षराक्षसं रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणीनाम्यहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्ध सरसास्मि सागरा महर्षीनां भृगुरहं गिरामस्य एकक्षरं यज्ञानां जपयज्ञयस्मि स्थावराणामहं हिमालयम् अश्वस्य सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नरदा गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैः श्रवस्माश्वानां विद्धि माम् अमृतो भव ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजननस्यास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्त च अस्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अरम्या च अस्मि यमसंयतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शत्रुभृतामहं झषानां मकारश्चास्मि श्रोत्रश्चास्मि जाह्नवी सर्गाणामदिरन्तश्च
मध्यम चैव अहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदातामहम् अक्षराणाम् अकारो अस्मि द्वंद्व सामस्कीकस्य च अहमेव क्षय कालो धाता अहम् विश्वतो मुखा मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाच्क नारीणां स्मृतिरमेधाधृति क्षमः बृहत्सां तथा साम्नां गायत्रीं छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं मृतं नुता तुनां सुकमारका द्यूतं चलयास्तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनामहं व्यासः कवीनां अशूना कवी दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यज्ञां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमहमर्जुन न तदस्ति विनायस्त्या यन्मया भूतचराचरं नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एषा तदुद्दिशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरयो मया यद्यद्विभूतिमतसत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तद्देवावगच्छय त्वं मम ज्योत्तेजो अश्वसंभव अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवर्जुन भिष्ठभ्यामहं कृष्णम् एका अंशेन स्थितो जगत् ॐ तत्तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदेषु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे विभूतीनां योगो नाम दशमोऽध्यायः ये है भगवान की विभूति। केन उपनिषद हम लोग कल श्रवण कर रहे थे जो प्रश्न किया था शिष्य ने तो गुरुदेव ने उसे समझाया। उसने प्रश्न क्या किया था जो कान हैं वो किसके द्वारा प्रेरित होकर के सुनते हैं जो आँखें हैं वो किसकी प्रेरणा से या किसकी शक्ति से वो देखती हैं हाथ जिह्वा नासिका ये ज्ञान किसके द्वारा लेते हैं कौन है जो मन को चलाता है कौन है जो बुद्धि को चलाता है उसका उत्तर यहाँ पे वो दे रहे थे कि जो तू देख रहा है चलता है उसको चलाने वाला जो है वो उसके भी ऊपर है। किसके ऊपर है जिस जो वाक इंद्री है जो वाणी की जो वाणी बोलने वाली है इसके ऊपर जो है चलाने वाला वो ब्रह्म है
जो मन को या मन की क्रियाओं को, मन के संकल्प विकल्प को चलाता है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म से ऊपर और कोई नहीं है, ब्रह्म को भी चलाने वाला भी तो कोई होगा। सुनेंगे, सुन तो रहे हैं। हाँ। और बोल रहे ना, ब्रह्म आगे तो आजकल का प्रसंग आगे बढ़ा रहा हूं। कहते जो है स्रोत को सुनाने वाला जहां जिससे वो सुनता है वो ब्रह्म है। तो शिष्य ने कहा कि चलो अब मेरे को मालूम पड़ गया कि जो मैं सुन रहा हूं वो सुनने वाला मैं किसके कारण से सुन रहा हूं, क्योंकि वो ब्रह्म है इसलिए सुन रहा हूं। मैं जो देख रहा हूं किसके कारण से देख रहा हूं, कि वो ब्रह्म है तो मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा भाव शिष्य के अंतःकरण में आया, मन में आया। जब उसके मन में आया तब गुरुजी ने साथ साथ टोक दिया। क्या टोका? ये बात बड़ी सुंदर आई। कहते यदि मन्य से सुवेदिति द ब्रह्म एवापि नूनं त्वं वेत्य ब्रह्मणो रूपं तदस्य त्वं यदस्य देवश्वथ नु मीमांसस्य एवं ते मन्ने विदितम्। साथ साथ ही गुरुजी ने देखा कि ये जैसे अभी हम लोगों ने गीता का दशम अध्याय पढ़ा, उसमें भगवान कहते मैं ही जुआरियों में कपट हूँ, मैं ही व्यापार में जो है वो चलाकी हूँ, जब मैं ही जो है रेंगने वालों में सर्प हूँ, मैं ही जो है वासुकी हूँ, मैं ही जो है गरुड़ हूँ, और युद्ध करने वाले धनुर्धरों में मैं अर्जुन हूँ। भगवान कह रहे हैं अहम अहम, बोला ना अभी हमने पढ़ा। तो कहते इसे सुन करके निश्चित रूप से जो सामने सुन रहा होगा उसे क्या लगेगा कि सब कुछ इसका मतलब ब्रह्म ही है, वही है, यही लगेगा ना। तो जैसे ये मन में आया साथ साथ गुरुजी ने बोला यदि तू, यदि तुम इति मन्यसे, यदि तू ये मानता है सुवेदम, तू अच्छी तरह जान गया ब्रह्म के बारे में। यदि तू ये जान मानता है, यदि तुम इति मन्य से, यदि तू ये मानता है कि तू सुवेदम, तूने अच्छी तरह से वेद मतलब जान लिया है, किसको? ब्रह्म को। कहते अपि नूनम, निश्चय ही ब्रह्मन रूपम दभ्रम, अर्थात उस ब्रह्म रूप का दभ्र जाना है। दभ्र मतलब थोड़ा सा, तूने थोड़ा सा जाना है। एव वेथ्य, एव मतलब ही, वेथ्य मतलब जाना। कहते अस्य, अस्य मतलब ये जो है, ये यत वो, ये जो है, ये जो है त्वम तू, अस्य यत ये जो है, जो तूने जाना है, ये शब्द बोल रहे हैं यहां पे, ये जो तुमने जाना है कि ये सब कौन है? ब्रह्म है। ये जो तूने जाना है, कहते ये जो तूने जाना है, ये सारे का सारा देवताओं में भी तो अल्प मात्रा में है, देवताओं में भी है, मतलब एक एक इंद्रिय के पीछे उसके कौन है? देवता स्थित है। तो तूने अगर उन्हें ब्रह्म जान लिया, देवताओं को, कहने का मतलब कि उनके पीछे ब्रह्म है, इन इस इंद्रिय के पीछे इसको चलाने वाला कौन है, इसको जानने वाला कौन है, वो ब्रह्म है, तू उसको नहीं जानता, तू उसको इसी रूप से जान, ये कहा गया पहले श्लोकों में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कान के पीछे सुनने सुनाने वाला ब्रह्म है, तू उसे जान। तो कान के पीछे, आंख के पीछे, इनके पीछे तो देवता भी हैं।
तो देवता ब्रह्म हुए, इसका मतलब डायरेक्ट तो ब्रह्म की बात नहीं है। ब्रह्म शब्द का मतलब होता है जो क्रिया निर्विकारी होकर के, निर्विकार होकर के क्रिया करे, वह ब्रह्म। कोई भी क्रिया बिना विकार के होती है? कोई क्रिया अगर होगी तो कुछ ना कुछ बदलेगा, जब ही तो क्रिया होगी। कहते निर्विकार के क्रिया हो, बिना विकार के क्रिया हो, है ऐसा कुछ जो बिना बदले या बिना कुछ हुए क्रिया होती है? श्वास तो लिया जाता, छोड़ा जाता, विकार होता जब ही तो छोड़ा जाता। वो जो हम लेते हैं श्वास, अगर श्वास ही श्वास जो है वो स्थिर हो तो उसे छोड़े ही ना जाए, निर्विकार नहीं हुआ ना, विकार आ गया उसमें, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा, निश्वास करना पड़ा। ब्रह्म को निर्विकार कहते हैं। लेकिन जो तू सोच रहा है कि भाई मैंने जान लिया ब्रह्म है, मतलब सब कुछ वही है, अगर ये तू समझा, क्योंकि साथ साथ उस श्लोक के अंदर एक बड़ी सुंदर बात बोली थी, त्वं विद्धि येन यदिम यद इदम उपास्यते उपासते, तुम इसी प्रकार से उनकी उपासना करो। तो उपासना की बात कह रहे हैं, ब्रह्म की उपासना की बात कह रहे हैं एक दृष्टि से। तब उसके मन में यह आ गया कि इसका मतलब सब कुछ ब्रह्म ही है। तब उसको टोक रहे हैं, सब कुछ ब्रह्म नहीं है रे, तू जो सोच रहा है उनके पीछे उनके देवता हैं। जितना तूने सोचा, जो जो तू समझ रहा है उसके पीछे आंशिक रूप से देवता हैं। तथा अल्पम एवा, यहां बात बड़ी सुंदर है, कहते वह सब कुछ मिला लें, अगर सारे देवताओं को इकट्ठा कर लें, जो सारी सृष्टि को करने वाले, करवाने वाले, चलने वाले, चलाने वाले, जो सबके नियंता हैं, उन सभी जो देवेशु, यहां शब्द आया क्या, देवेशु बहुवचन है, सभी देवताओं को इकट्ठा कर लें, यत देवेशु जो भी देव हैं, अस्य इनका सबको इकट्ठा कर लें। कहते तत् अल्पम एव, वो भी अल्प ही होंगे, वो भी भगवान की शक्ति के सामने क्या है, अल्प ही हैं। अथ नु, इसीलिए मन ने, मैं मानता हूं, गुरु जी कह रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि जो ते विदितम, जो तूने जाना है, इसलिए मैं मानता हूं कि जो तूने जाना है मीमांसस्य एव, उसको विचार कर ले बेटा, समझे? मैंने जो जो तुमने समझा उसके पीछे सारे देवी देव इत्यादि, सारी सृष्टि, सारी संरचना, सब कुछ है, वो सारे के सारी शक्तियों को इकट्ठा कर ले, और इकट्ठा करने पर भी वो थोड़ा ही है, वो थोड़ा ही है। मैं मानता हूं कि उस सब कुछ थोड़ा है, लेकिन अगर तू कहते तूने जाना है तो एक बार बेटा विचार कर ले तूने जो जाना। तो अब शिष्य कहता ना अहम मन्ने, ना हम मन्ने सुवेदिति नो ना वेदति वेद च यो नस्त्य ए वेदम तद वेदम नो ना वेदति वेद च। मतलब वेद 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 वेदी वेद है इसमें शब्द का अर्थ। अब आप देखिए एक एक वेद का अर्थ अलग अलग हो जाए। अहम सुवेदम, मैं वेद मतलब ज्ञान, जानना, विद धातु से होता है वेद, मैं अच्छी तरह जानता हूं, इति ना मन्ने, मैं ये नहीं मानता कि मैं अच्छी तरह जानता हूं। शिष्य बोल रहा है, गुरु जी ने बोला अगर तू कह रहे जान गया, तू जान गया, समझ गया, तो थोड़ा विचार कर ले, तू समझा कि नहीं समझा, थोड़ा विचार कर ले, क्योंकि जितना तू समझा है उसके पीछे देवता है, मतलब ये चक्षु के पीछे देवता हैं, वो करने वाले हैं, वो समझने वाले हैं,
एक बार तुरियाश्री महाराज जी परम पूज्यपाद मित्रपुरुषोत्तम विष्णुपाद भक्ति निकेतन, तुरियाश्री महाराज जी ने मुझे कहा था तुम उपनिषद पढ़े हो? मैं कहा महाराज थोड़ा सा पढ़ा है। कहते कौन सा? मैंने कहा शात्यायनी उपनिषद और संन्यासो उपनिषद। नारद परिव्राज को पढ़ा? मैंने कहा नहीं, वो वैराग्य का उपनिषद है। अच्छा जी। कहते जो उपनिषद में है, उपनिषद कर्ता जिस बात को बताना चाहते थे, मतलब उपनिषदें जिन्होंने लिखी हैं वो जो बोलना चाहते थे वो उसकी व्याख्या करने वाले समझ नहीं पाए। ठीक है। कहते वो ये नहीं समझ पाए कि जहां पे ये कहा जा रहा है कि देख जो अन्न है वो अन्नम ब्रह्म, अन्न जो है वो ब्रह्म है, जल जो है ब्रह्म है, जो हवा जो है, वायु जो है ब्रह्म है, जहां पे ये कहा जा रहा है उसके साथ साथ ही बोला जा रहा है वो ब्रह्म नहीं है, उसको जो जानता है वो ब्रह्म है। बात समझे? एक बार पहले बोल दिया अन्नम ब्रह्म, अन्न जो है वो ब्रह्म है, जल जो है ब्रह्म है। कहते नहीं, ये पहले बोला उसके बाद बोला इसके ऊपर नहीं, इसको जो जानता है वो ब्रह्म है। फिर उसके बाद बोलते कहते इसको जानने वाला ब्रह्म नहीं है, उसको जानने वाला जो है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म जो है इतना गहन तत्व है। अब इस चीज को अगर मैं ग्राफ में करके बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसको उंगलियों पे लेता हूं आपको, ठीक है, उंगलियों पर समझना, ध्यान दीजिएगा। ये है मानो जल, इसको कहा गया कि ये ब्रह्म है, ठीक है जी। ब्रह्म शब्द को आज हम सिर्फ इस तरीके से लेते हैं कि ब्रह्म का मतलब रसहीन, ब्रह्म मतलब है नहीं ये, वैसे लेते हैं रसहीन। तो जल जो है वो रसहीन है क्या? जल क्या रसहीन है? जल में कौन सा रस है? जल में कोई रस नहीं ना, जल मीठा भी लगता है कड़वा भी लगता है। मीठा भी नहीं है कड़वा भी नहीं है, जल में कुछ मिलावट होने से मीठा भी है कड़वा भी है, लेकिन जल रस है। तो प्यास बुझता है, तब प्यास बुझती है, जल रस है, ठीक है। परंतु अगर हम जल को रस कह देंगे वास्तविकता में सही नहीं होगा। कैसे सही नहीं होगा? अब ध्यान से देख, समझने वाली बात है, क्योंकि ये एक बच्चे को समझाने के लिए तो सही है कि जल रस है, लेकिन जब विद्वान को समझाने के लिए जाएंगे तो उसको उससे ऊपर की बात बोलनी होगी, उसको बताना होगा कि जल जो है वो दो तत्वों से बना है, वो प्राणवायु और अग्नि से बना है, वायु और अग्नि का मिश्रण है। मालूम है कौन सी थ्योरी है जी? वही है, तो प्राण वायु जानवरों में अलग तो भी होते सब एक एक जैसे होते। कई जानवर जो होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करते, पेड़ ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करते, तो प्राण वायु सबके लिए अलग अलग थोड़ी होती है, वो तो एक ही होनी चाहिए सबके। नहीं, उसमें ऐसा होता है कि वो कुछ लेते हैं कुछ छोड़ते हैं, जो वो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हमारे लिए जो प्राण है वो है, उनके लिए प्राण जो है वो ये अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग तरह से इसका जो है वो है, जिसके लिए प्राण, जिसके द्वारा प्राण रखे जाए। कौन कहता है? जीवों में से ऐसे कुछ हैं जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वो तो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, जो पानी में जल जंतु जितने हैं उनके अंदर ऑक्सीजन वो जल से ही लेते हैं, जल में ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है। थल वाले भी लेते हैं और जितने भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो प्राण वायु जो है वो सबके लिए चेंज नहीं होती, प्राण वायु तो एक ही रहनी चाहिए ना सबके लिए। ऐसा नहीं है,
प्राण जिसके द्वारा रक्षित है, अग्नि के अंदर रहने वाले के लिए अग्नि प्राण है, जल में रहने वाले के लिए जल प्राण है। तो प्राण जो है वो प्राण वायु हमारे लिए, मनुष्यों के लिए प्राण वायु का जो है महत्व जो है ऑक्सीजन हम लोग एक भाषा में कहते हैं, लेकिन प्राण वायु सबके लिए ऐसा नहीं है। जल जल जंतु जो है उनके लिए अपान होता नहीं, उदान नहीं होता, बयान नहीं होता, वायु तो वायु है। तो वो अलग अलग जी, विशेष करके मनुष्य के लिए जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहां प्राण वायु का मतलब मोटे मोटा ऑक्सीजन। तो अगर देखा जाए तो उसे क्या कहेंगे कि रस क्या है जी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब प्रश्न है क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रस है? दो गैस हवा, दो तरह की हवा, क्या वो रस है? विज्ञान के रूप में देखेंगे, गहराई से देखेंगे तो वो रस है, लेकिन वो रस नहीं दिख रहा है क्योंकि उनका मिश्रण नहीं हुआ है। अच्छा, तो मिलाने वाला कौन सा तत्व है? फिर प्रश्न आ जाता है, मिलाने वाला जो तत्व है उसके कारण से रस है। मिलाने वाला तत्व है वो आकाश है, आकाश के कारण से। हाँ, आकाश के कारण से जब ये दोनों तीनों तत्व मिलते हैं तब जाकर के वह जल में परिणत होता है। ये यही चीज को अगर मैं ऐसे, हम लोग कल को ढूंढ के लेके आएंगे मार्कर होता है ना जो कि साफ हो जाता है बोर्ड से, उसको लाएंगे तो उसमें, तो विषय पे वापस आते हैं। इस प्रकार से बच्चे को समझाने के लिए ए फॉर एप्पल, उसको अभी एप्पल नहीं दिखाया है, वो कागज के अंदर एप्पल है, एरोप्लेन कागज के अंदर है, अभी उसने देखा नहीं है। उसके लिए वो कार्टून से बने हुए जो हैं वैसी ही बिल्ली बिल्ली होगी, लेकिन जो बिल्ली असली में देखती है तो उसको देखती है, ये तो अलग अलग है ना। तो ऐसे वेदों ने एक शिष्य जो सीखने के लिए आया उसको उसकी स्थिति के अनुसार समझाया कि जो तू देख रहा है उसके प्रश्न के अनुसार उत्तर दे, जो देख देख रहा है उसके पीछे ब्रह्म है। अब उसने सोचा ब्रह्म मतलब, ब्रह्म मतलब ये जो जो देवता हैं, जैसे मैंने गुरुजी से पहले सुना था कि चक्षु का देवता जो है अग्नि है, कर्ण का देवता जो है अलग अलग, उन्होंने शब्द का देवता जो है वो अंतरिक्ष है, रस का देवता जो है जल है, इस प्रकार से मैंने गुरुजी से सुना था, इसका मतलब वो ब्रह्म है, ऐसा वो दिमाग में सोच रहा है। तो इसका मतलब वो सारे के सारे ब्रह्म है, ब्रह्म तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, तो मतलब ये सारे के सारे वो एक ही हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? एक ही हैं। ऐसा सोच करके जैसे ही वो बैठा तो गुरुजी ने उसे टोक दिया कि तू जो सोच रहा है, जितना सोच रहा है उससे बहुत अधिक है, वो तो बहुत छोटा सा है। भगवान ने गीता के अंत में, ये दशम अध्याय के अंत में बोला, एक अंश में स्थित है सारे का सारा जो तू देख रहा है, एको अंशेन स्थितः। विष्ठभ्याम इदम् कृत्सनम एक अंशेन स्थितो जगत, एक केवल मात्र एक अंश में स्थित है। अब उसको और इसको अगर हम देखें, दोनों बातें एक हो गई, तो मतलब अब तक जो उन्होंने बोला था उससे बहुत आगे श्री कृष्ण ने बोल दिया कि मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिकाना, मैं तमुक, कहते कि जो तू देख रहा है एक अंश में स्थित है, सिर्फ एक अंश में स्थित है, बाकी की तो बात छोड़ ही दो। कहते मैं बता नहीं सकता अपने अपनी विभूतियों के बारे में। विभूति शब्द का अर्थ क्या होता है? विभूति शब्द का अर्थ पावर्स कह सकते हैं, लेकिन विभूति का मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलाएं हैं, गुण हैं, तो उनमें से ये एक तरह का लग्जरियस बोलते हैं, जाके ऐश्वर्य बोलते हैं, क्या बोलेंगे,
ऑपुलेंस अंग्रेजी जरूरी नहीं है, बृहद नहीं होगा, विभूति का अर्थ बृहद नहीं होगा, विशेषताएं भगवान की, ये विशेषण है, गुण है, ये क्वालिटीज हैं, उनमें से ये कुछ एक विभूति के बारे में मैंने तुमसे बतलाया। आगे कहते हैं वो शिष्य तुरंत समझ गया कि गुरुजी जो बोलना चाह रहे हैं मुझे कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं। साथ साथ सुनने वाला, अहम सुवेदम इति न मन्ने, मैं अच्छी तरह से समझ गया, मैं नहीं मानता। नो इति ना वेद, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता। साथ साथ बोला मैं अच्छी तरह से नहीं जानता, मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं अच्छी तरह से जान गया हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं जानता नहीं। फिर आगे कहते हैं जानता भी हूं वेद च, जानता भी हूं किंतु यह जानना विलक्षण है। क्या? ना, ना का मतलब हम, ना हम जो भी हैं उसको, मतलब उस ब्रह्म को जो जानते हैं, जो कह रहे हैं जानते हैं, वो मेरे उक्त वचनों का अभिप्राय है कि वो कोई भी उन्हें नहीं जानते। अब इसका व्याख्या, बड़ी सुंदर व्याख्या मैंने पढ़ी थी, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत में अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूं, यह मैं नहीं मानता, और ना ही मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूं तथापि मेरा यह मानना वैसा नहीं है जैसा किसी ज्ञाता के ज्ञेय वस्तु को जानना है। हाँ जी, क्या बोला मैंने? बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। ध्यान नहीं दे रहे थे ना, इधर उधर ध्यान दे रहे थे। ये बात यहां उन्होंने बोला, मैं जानता नहीं हूं, जैसे कोई रास्ते से गया, अरे तूने यहां से जाते हुए देखा? हाँ हाँ मैंने देखा। तू कौन था? वो कहते वो तो यहीं रहता, पीछे पीछे रहता। तू जानता उसको? हाँ मैं जानता हूं, यहां से रोज निकलता। अच्छा अच्छा वो ये लंबा सा गया था? हाँ लंबा सा, और पीले कपड़े पहन के? हाँ पीले कपड़े पहन के गया। कहते तू जानता है ना उसको? हाँ मैं जानता हूं, पीछे रहता है यहीं पे। अब दूसरा आदमी आया, भी कौन है वो, जहां रहता है, क्या है उसकी जात, जा कहां से वो आया है? भैया मैं जानता तो हूं, इतना नहीं जानता कि जितना उसका पड़ोसी जानता है, जितना उसका बगल वाला जानता उतना मैं नहीं जानता। तो वो आदमी बगल वाले के पास गया। हाँ जी, आप बगल वाले के आपके साथ में रहते हैं, आप जानते हैं उनको? कहते हैं हाँ, रोज उठते हैं, सवेरे बातचीत होती रहती है, अच्छे भले आदमी हैं। अच्छा तो वो कहाँ से आए? फलानी जगह से आए। अच्छा उनके पिताजी को जानते हैं आप? हाँ हाँ बीच में आए थे, जानता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब उसने बोला कि अच्छा उसके दाहिने हाथ के पीठ की तरफ जो है उसके एक दाग लगा हुआ है। भैया ये मैं नहीं जानता। क्यों? आप तो कहते हैं आपके पड़ोसी रोज आप मिलते हैं। ये बात अंदर की है, अंदर वालों से पूछो, मैं कैसे बता सकता हूं? ये उनको जो जानता है वो बता सकता है। कहते अच्छा मतलब तू भी वो भी जानता था और ये भी जानता पड़ोसी, लेकिन घर में रहने वाला जो बच्चा है वो उससे ज्यादा जानता है बाकी लोगों से जो दूर दूर के, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो भगवान के निज जन हो गए हैं, जो ब्रह्म के बिल्कुल ब्रह्म वेत्ता हो गए हैं, ब्रह्म को जानने वाले हो गए हैं, वो जो जानते हैं, हे गुरुजी हम वो नहीं जानते,
ये बात शिष्य ने गुरु जी के आगे कही। विभूति मतलब ताकत है, शक्ति, बड़पन, समृद्धि, कल्याण, प्रतिष्ठा, उच्च पद, धन, साधु, महिमा, कांति, महिमा। विभूति का मतलब अति मानव शक्ति, अति मानव शक्ति, सीता वसिता और काम वसाइता, काम वशित और वसाइता, वसिता और काम वसाइता, ठीक, महिमा, महिमन, महिमा वही, फड़ों, ये क्या, पंडों की राख की, कंडों की राख जो है उसको बोलते ना, विभूत लगा ले, विभूति लगा ले, विभूति वो नाम उसका विभूति ही है, बबूती हम लोग बोले। हाँ आगे आइए यहाँ पे, अरे बोल, यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य ना वेद सा, वाह बड़ा जबरदस्त बात बोल गए, यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य ना वेद सा, बहुत बड़ी बात बोल गए, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, बहुत बहुत ऊपर की बात बोल गए, सुंदर बात लगी, यस्य अमतम, कहते जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, जो ये मानते हैं कि ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता, जैसे कल परसों हम बात कर रहे थे, कहते हैं तस्य मतम, कहते उनका तो वह जाना हो गया, उतना तो उन्होंने जान लिया कि उसे कोई नहीं जान सकता, समझे नहीं, नहीं समझे, जैसे आप हैं, ठीक है, आपको कोई आदमी देख रहा है, आपको जानता है, अच्छी तरह से जानता है, मतलब जैसे मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, जानने के बाद कोई कोई ऐसी जगह है, कोई कोई ऐसा समय है जिस समय आप अपने आप में होते हैं, उस समय मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भैया मैं इसे कोई भी नहीं जान सकता, इस बंदे को कोई भी नहीं समझ सकता, जैसे यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसे वो ही समझ सकता है, उसके अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता, ठीक है, बात समझे नहीं, जैसे तुम्हारे दिल के अंदर जो है वो तुम जानते हो, कोई और जानता है, हैं? कोई भी किसी को नहीं जानता है, तो यहां वही वाली बात कहते हैं, जो ये मानते हैं कि उसने कोई नहीं जानता है, जान भी नहीं सकता उनको, अगर सभी लोग कोई बोलता है ना कि उन्हें कोई जान नहीं सकता, कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारी समझ में ये आ गया कि उन्हें कोई नहीं जान सकता, समझे नहीं, कि मतलब तुम्हारी बुद्धि से परे है इस बात को, तो तुम समझ गए, इतना तो जान गए कि इसे नहीं जान सकते, बनवाली ब्रो समझे, बोल रहे हैं आप तो प्रेम ही भक्त हैं ना, ये ज्ञान की चर्चा में आपका कोई रुचि नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है, आप लोग तो भगवान की प्रेम से सेवा करते हैं, ठाकुर जी को सुनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए कीर्तन करते हैं, उनको भोग लगाने के लिए सब्जियां मनिया करते हैं, जो ये सेवा है ये तथा कथित शुष्क ज्ञानियों के ज्ञान से बहुत ऊपर है, लेकिन मैं इसे सिर्फ इसलिए पढ़ और पढ़ा रहा हूं जिससे कि हमारे बच्चों को कम से कम ये ज्ञान रहे कि हम लोग अवैदिक नहीं हैं, क्योंकि कुछ एक मत ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि भागवत जो है वो वेद व्यास जी द्वारा नहीं लिखी हुई, वो बोप देव के द्वारा लिखी, किसके द्वारा, बोप देव, बोप देव के द्वारा, इस प्रकार से वो लोग कहते हैं कि ये लोग वैदिक नहीं है,
एक गीता को लेकर के नाचते रहते हैं। था वो कोई, उसने लिखा इस प्रकार से, वो हमारे संदेह डालते। तो मैं इसीलिए इसे शुरू किया है। यहां एक बात कहते हैं, मैं आपको जितना जानता हूं उसको मैं जानने के बाद ये निर्णय पे पहुंचा कि मैं आपको नहीं जान सकता। आप अपने आप को जो जानते हो कोई भी आपको नहीं जान सकता। ये बात जो समझ में आ गई, कहते तो बहुत बड़ी बात समझ में आ गई। कहते यस्य मतम साना वेदा, कहते जिसका ये मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, कहते साना वेदा, कहते वो नहीं जानता। एक कह रहा है कि उसे कोई जान नहीं सकता है, कहते उसने कुछ जान लिया। और एक कहता मैं ब्रह्म को जानता हूं, अहम ब्रह्मस्मि सोहम प्रज्ञानाम ब्रह्म शिवोहम तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानाम ब्रह्म। ये जो कहने वाले जो जीव हैं, मैं जानता हूं अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम, जो ये कह रहा है, कहते सा ना जानाती, वो नहीं जानता। क्यों? आगे बोल रहे हैं यस्य ना, ये ना एक स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। तो एक से एक के ऊपर लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले एक बात कही, फिर उससे सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म, अलग लगे ऋषि ने, वो अलग ऋषि ने, तो उनके विचार और इनके विचार में तो फर्क है ना। बिल्कुल है, होना भी चाहिए। ये मतलब उन्हीं को काट रहे हैं, पहले वाले ऋषि को काट रहे हैं। काट नहीं रहे हैं, ये बातें होती जैसे अपने अपने विचार ना ना अपने। देखिए वेद तो वेद है, वेद का मतलब अखंड ज्ञान तत्व। अभी अभी दो तीन दिन पहले आपने बात बोली थी, ऋषि ने कहा था कि तुम्हारी इंद्रियों से जाना जाने वाला और ना जाना जाने वाला और उससे भी ऊपर ब्रह्म है, ये वाली बात उठी। अभी वो कह रहे थे वो जान लिया नहीं जान लिया, मतलब वो दोनों बातें एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़ी होती थी लग रहा है ना। अभी उसको जैसे मैंने आपको बोला था उस चीज को उस वक्त क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी दोबारा से आपने क्वेश्चन किया, उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। उसको ये बोला गया कि तुम्हारी इंद्रियों से जाने जाने वाला जो तत्व है, तुम्हारी इंद्रियों से जो जानने वाला जाने जाने वाला तत्व है, वो नहीं है। क्योंकि जो उन इंद्रियों को जानता है, उन इंद्रियों के ऊपर है, वो जानता है। फिर उसके बाद बोला कि जो इंद्रियों के ऊपर है, उसके जो ऊपर है वो वास्तविकता में वो है। फिर उसके बाद बोला उससे भी जो ऊपर है वो है। अब देखिए, इंद्रियों से ऊपर तो मन हुआ, मन से ऊपर बुद्धि हुई, बुद्धि से ऊपर आत्मा हुई। अब आत्मा को उन्होंने ब्रह्म तक लाके रख दिया, आत्मा ब्रह्म है ऐसा ला करके उन्होंने रख दिया। अब वो आगे लेके जा रहे हैं कि अगर तू सोचे कि भाई तू ही सब कुछ है, तू जान लिया अपने आप को, तू जान लिया ब्रह्म को। बड़ी सुंदर बात है, मेरे को बहुत अच्छा श्लोक लगा ये। कहते हैं बहुत सुंदर बात, मतम यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जान लिया, सा ना वेदः वो नहीं जानता, क्योंकि विजानताम जानने का अभिमान रखने वाले के लिए अविज्ञातम, जानने का अभिमान रखने वाले के लिए अविज्ञातम वो जाना नहीं जाता है। और जो अविजानताम जो ये कहता है कि मैं उनको जान नहीं सकता, कहते विज्ञातम, कहते वो उनको जान गया। कितनी दिव्य बात है। जैसे उदाहरण के लिए मोटी मोटी बात, हम ठाकुर जी को नहीं जानते लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ठाकुर जी हमें जानते हैं, ये भाव है। कोई कहे जी मैं जानता हूं ठाकुर जी को, वो तो हमारा ये है फलाना ठिकाना, तू जो बोल रहा है ना जहां तुम बोल रहे हो वो स्थिति नहीं। तो यहां कहने का मतलब है सीधा सीधा, ये ब्रह्मवाद जो है, जो कि अपने आप को ब्रह्म कहने वाले हैं, उनके मुंह के ऊपर ये क्लियरली इस उपनिषद में जैमिनी महाराज जी ने तमाचा मारा है। सीधा सीधा व्याख्या के अंदर पढ़ते हैं,
जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं उनमें किंचित मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। जिनको साक्षात्कार हो जाता है, जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया, उनके अंदर कभी अभिमान नहीं होता कि मैंने उनको जान लिया। क्यों? वो तो उनकी कृपा से कुछ दर्शन हो गया और वे परमात्मा के अनंत असीम महिमा के महारणव में निमग्न हुए, यही समझते हैं कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जनाते हैं, दूसरा कोई भी नहीं जान सकता, नहीं पार पा सकता। भला असीम की सीमा का पार कहां पाया जा सकता है? अतएव जो ये मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, वे ज्ञानी हूं, मैं परमेश्वर का ज्ञेय हूं, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, यह वस्तुतः सर्वथा भ्रम है। कुछ एक बातें, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए पहली बार हैं सुनने में आ रहे हैं, लेकिन इन शब्दों को सुनकर के समझने में बहुत बहुत ज्यादा फायदा है। ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञाता और ज्ञान, ये तीन तत्व हैं। ज्ञेय का मतलब होता है ज्ञेय, जिसको जानना है वह तत्व माना जाए भगवान, और ज्ञान जिसके द्वारा जानना है, और ज्ञाता जो जानने वाला है। कहते हैं जो भगवत कृपा से भगवान का दर्शन प्राप्त करता है, आज तक के इतिहास में, मैं इस बात को कई बार बोलता हूं, आज तक के इतिहास में वेद पुराण उपनिषदों और वेदांत के किसी भी सूत्र में, कहीं भी उपलब्ध वस्तु में, कहीं ऐसी कोई भी एक भी लीला, एक भी घटना, एक भी सिद्धांत नहीं मिलता है जहां पर जानने देखने वाले ने, भगवत दर्शन करने वाले ने, भगवान के स्वरूप का दर्शन करने वाले ने यह कह दिया हो कि प्रभु मैंने आपका दर्शन किया, अब तो मैं ही आप ही हो गया। एक उदाहरण नहीं मिला सकते आप। जिसने देखा नहीं है उन्हें, वो जरूर बोलता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। उसने देखा नहीं है अभी, देखा नहीं है इसलिए बोल रहा है, जानता नहीं है इसलिए बोल रहा है कि वो ब्रह्म हो जाता है। अरे जिस दिन तुम उस ब्रह्म की परम सत्ता का दर्शन करोगे, अपनी क्षुद्रता का दर्शन करोगे, कितने क्षुद्र हो तुम, बाल के 10,000वें अंश, बाल के अग्र अंश का, नोक के 10,000वां अंश है जीव। जब तुम उस अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त ब्रह्म की उस परम शक्ति का दर्शन करोगे, जब करोगे, तब तुम कल्पना कर पाओगे कि तुम वो हो, तब तुम यही कहोगे कि मैं उन्हें नहीं जान सकता जिन्होंने दर्शन किया। यहां बड़ी सुंदर एक बात कही, बहुत अच्छा लगा मुझे, जिन्होंने दर्शन किया उन्होंने यही कहा कि हम उन्हें नहीं जान सकते। ये तो उनकी कृपा है कि उन्होंने थोड़ा सा हमें बता दिया, और जितना बताया उसके आगे भगवान भी कहते हैं कि मैं खुद ही नहीं बोल पाऊंगा, तू नहीं समझ पाएगा, एक अंश में स्थित है इतना समझ ले, ठीक है। तो आगे क्या बोलते हैं, इस बात को आज बोल करके समाप्त करेंगे। कहते हैं जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मैं ज्ञानी हूं, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, मैं ज्ञानी हूं और मेरे ज्ञेय, मेरी जानने वाली वस्तु परमेश्वर हैं, वह वस्तुतः सर्वथा ब्रह्म में है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार का ज्ञान का विषय नहीं है, ब्रह्म को कोई इस प्रकार से नहीं जान सकता है। जितने भी ज्ञान के साधन हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कि ब्रह्म तक पहुंच जाए। लो जी, एक भी ऐसा साधन नहीं है जो कि ब्रह्म तक पहुंच जाए। अतएव इस प्रकार के जानने वालों के लिए परमात्मा सदा अज्ञात हैं। उनको कोई भी ऐसा जो बोलने वाले हैं कि मैं तत्व विदस्त तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, जो उसे ब्रह्म परमात्मा भगवान कहने वाले तत्वविद हैं, जो वास्तविकता में जान चुके हैं, तभी तो उन्होंने कहा वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो भगवान है। जो नहीं जाने वो कहते वो हम ही है। ये बड़ा सुंदर आज सूत्र मिला है, कल इसका विस्तार विशेष रूप से करेंगे और इसके मैं प्रश्न भी करूंगा, आपस में चर्चा कर लेना, ठीक है? ऐसे मत कर, हाँ। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसे सुनकर बहुत सुंदर है ये। आगे कहते हैं, अतएव इस प्रकार के जानने वालों के लिए परमात्मा सदा अज्ञात है। जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान महापुरुषों को होता है जिनमें जानने का अभिमान किंचित भी नहीं रह जाता, शरणागत हो जाते हैं। मंशा कल्पत कृपा सिंधु पतिता नाम पावन वैष्णव। कृष्णा।